नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दिसंबर 2020 के महीने में बंपर भर्तियां आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए पांच ऐसी बड़ी भर्तियों की नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आया हूं, जिनके लिए अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पांच ऐसी बंपर भर्तियां आ चुकी है जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास या ITI डिप्लोमा या डिग्री पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिसंबर 2020 की इस बंपर भर्तियों के बारे में। लगभग 1.5 लाख पदों पर ये बंपर भर्तियां आ चुकी है जो कि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर जो वैकेंसीज है वो सीधी भर्ती है, इन भर्तियों के लिए आपकी एग्जाम भी नहीं होगी, तो यहां पर आपकी परीक्षा का जो प्रेशर है, टेंशन है, वो भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आते रहते हैं रोजाना। और दोस्तों, अपने सभी साथियों के साथ सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी दिसंबर 2020 की इस बंपर भर्ती की पूरी जानकारी मिले, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी वैकेंसीज की जानकारी देंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी इस वैकेंसी की जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सके। और रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक एक करके उन तमाम पांचों भर्तियों के बारे में। दोस्तों, इन सभी भर्तियों की जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वीडियो देखने के बाद में आप जाएं गूगल में सर्च करें sarkaritodaynews.com। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप www.sarkaritodaynews.com सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे ऊपर पहले यह वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आप जाकर के सभी वैकेंसीज की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि करके सबसे पहले नंबर की जो वैकेंसी है वो है SSC। जी हां, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC द्वारा CGL के नोटिफिकेशन की। दोस्तों, आपको बता दें SSC द्वारा दिसंबर में इसके आवेदन मांगे जा रहे हैं और इसके लिए आप इसलिए कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी है, असिस्टेंट की टोटली वैकेंसी है, इंस्पेक्टर की है, सब इंस्पेक्टर की भी है, डिविजनल अकाउंट की है और अकाउंटेंट की है, और यहां पर अकाउंटेंट्स की भी है, टैक्स असिस्टेंट की भी है, सब इंस्पेक्टर की भी है। देख सकते हैं आप, वेरियस कैटेगरीज में वैकेंसीज है, लगभग 5000 प्लस वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी और आवेदन केवल आपको ऑनलाइन ही करने होंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी यहां पर ऑनलाइन एग्जाम होगी जिसमें Tier 1 और Tier 2 दो एग्जाम आपकी होगी। अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सैलरी यहां पर आपको एज पर SSC के रूल्स के मुताबिक मिलेगी, जो कि SSC द्वारा CGL की जो लेवल होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। यहां पर ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहां पर है 18 साल कम से कम और मैक्सिमम जो है 32 वर्ष है। उसके अलावा इसमें छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल OBC के लिए 100 रुपए है और ST ऑल फीमेल और PH के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट जो है आप सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन करा सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। यहां पर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप BA, BCom, BSc, BTech पास है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है इसके 21 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी 2021 तक चलेंगे, माफ कीजिएगा 2021 तक है यहां पर। और यहां पर भी 29 मई 2021 में आपके एग्जाम होंगे Tier 1 के, और यहां पर आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपका 21 दिसंबर से, ठीक है। आवेदन नोटिफिकेशन का लिंक ये रहा, आप यहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की जो निकाली जा रही है। जी हां दोस्तों, आज ही नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का, ठीक है। तो यहां पर इस नोटिफिकेशन के बेसिस पे आपको जानकारी देंगे। तो पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पर मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, वेरियस कैटेगरीज में है। अगर आप चाहते हैं एयरपोर्ट में जॉब करना तो दोस्तों ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 368 टोटल वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। आवेदन इस वैकेंसी के लिए केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। सैलरी आपको यहां पर 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक पर मंथ मिलेगी सैलरी, वो जो कि काफी अच्छी सैलरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 32 है। उसके अलावा ICU में छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस यहां पर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है। वहीं SC ST फीमेल के लिए 170 है और PWD के लिए और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है और जो अप्रेंटिस के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BBTEC पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर बैचलर डिग्री होल्डर हैं BSc के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर आप हैं क्वालिफाइड तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। यहां पर क्वालिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2021 तक आवेदन चलेंगे। यहां पर आवेदन करने का लिंक है नोटिफिकेशन के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे नंबर की एक और नई वैकेंसी की।
तो दोस्तों यहां पर तीसरे नंबर की जो वैकेंसी है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। जी हां, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से सेल्स ऑफिसर, बैंकर, ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ऑल अदर वैकेंसीज भी यहां पर देखने को मिल रही है, जिसमें एमटीसी की है, क्लर्क की है, अकाउंटेंट की है, और भी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिलेगी। 1000+ यहां पर वैकेंसीज है। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी यहां पर इंटरव्यू होगी और सैलरी जो है आपको एज पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रूल्स के मुताबिक आपको मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स है, ठीक है। और यहां पर एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th, 12th, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10th पास कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर लिंक है, यहां पर जाकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 5 वैकेंसी के अलावा 3 ऐसी और नई वैकेंसीज है जिनका आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है और अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 नहीं 8 वैकेंसियों की जानकारी दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं 4th नंबर की वैकेंसी की, 4th नंबर की वैकेंसी की जो निकाली जा रही है राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग की ओर से फॉरेस्टर की और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। बंपर वैकेंसी है 1128 पदों पर। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना है। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इंटरव्यू होगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप यहां पर क्वालिफाइड होते हैं इन सभी एग्जाम्स में तो आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिलेगी। एज लिमिट जो है यहां पर फॉरेस्टर के लिए है 18 से 40 वर्ष, वहीं फॉरेस्ट गार्ड के लिए है 18 से 24 वर्ष, ठीक है। आयु सीमा में छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए क्रीम लेयर के लिए 450 है, वहीं बीसी ओबीसी नॉन क्रीम लेयर के लिए यहां पर 350 है, एससी एसटी के लिए 250 रुपए है। पेमेंट जो है आप ऑनलाइन करा सकते हैं किसी भी माध्यम से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर फॉरेस्टर के लिए है 10th पास और फॉरेस्ट गार्ड के लिए है 12वीं पास। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं पास कैंडिडेट जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन शुरू हो रहे हैं इसके 8 दिसंबर से और 7 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5th नंबर की वैकेंसी की जो निकाली जा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई द्वारा अप्रेंटिस की वैकेंसी। दोस्तों एसबीआई बैंक द्वारा अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है 8500 टोटल वैकेंसी से, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप ये अप्रेंटिस का कोर्स कर लेते हैं जो कि काफी कम समय का होता है और यहां पर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है जो कि काफी अच्छा दिया जाता है, तो दोस्तों यहां पर अप्रेंटिस करने के बाद में जैसे ही कोई परमानेंट वैकेंसीज निकलती है, मान लीजिए क्लर्क की, एसओ की या पीओ की कोई सी भी वैकेंसीज निकलती है, तो यहां पर आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोस्तों ये बेनिफिट आप ले सकते हैं और यहां पर आप अपना समय बचा सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। यहां पर आपको जो है आपको प्रेफरेंस के साथ साथ आपको जो है यहां पर मार्क्स में भी आपकी जो है कटौती की जाएगी, आपको उसका बेनिफिट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए काफी बेनिफिट है अगर आप अप्रेंटिस की ये अप्रेंटिस करते हैं तो एसबीआई का, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा अप्रेंटिस के लिए वो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू रहेगा। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सैलरी एज ए स्टाइपेंड आपको मिलेगा 15,000 से लेकर 19,000 रुपए। एज लिमिट जो है 20 से 28 है, उसके अलावा आईसीयू में छूट लग सकता है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 300 है और एससी एसटी और पीएच के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट जो है आप ऑनलाइन करा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 20 नवंबर से 10 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है आवेदन करने की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6th नंबर की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों 6th नंबर की वैकेंसी भी काफी अच्छी वैकेंसी है अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि केनरा बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ की वैकेंसी आ चुकी है। यहां पर पोस्ट आप देखते हैं काफी सारी वेरियस कैटेगरीज के अंदर वैकेंसीज है, तो यहां पर काफी अच्छी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। दोस्तों 20 टोटल वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। बैंक की जॉब है, सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 31,700 से 45,900 रुपए। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 20 से 35 साल है और आयु सीमा में छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 600 है प्लस जीएसटी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए प्लस जीएसटी। पेमेंट आप ऑनलाइन करा सकते हैं किसी भी माध्यम से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। आवेदन 25 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक चलेंगे। आपके जो एग्जाम है जनवरी फरवरी 2021 में होंगे, जो कि टेंटेटिव है। आवेदन करने का लिंक यहां पर है नोटिफिकेशन के साथ में। अब बात करते हैं सातवें नंबर की वैकेंसी की जो निकाली जा रही है डीआरडीओ। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एनपीओएल की तरफ से ये वैकेंसी है। जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, जेआरएफ की पोस्ट है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन का जो मोड है केवल ऑनलाइन है, ईमेल के माध्यम से। कोची की जॉब लोकेशन है। 31,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 साल है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर एमई एमटेक बीबीटेक पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं इसके ऑलरेडी। जी हां दोस्तों, आपको 4 नवंबर से लेकर के विथिन 30 डेज आपको अप्लाई करना होगा। तो आप मान लीजिए कि आपको 26 दिसंबर तक आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है? तो आज ही अप्लाई कर दीजिएगा। यहां पर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना होगा। यहां पर ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फाइनली आठवें नंबर की वैकेंसी की जो निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस द्वारा ग्रामीण डाक सेवक की। जी हां दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की वैकेंसी है। 1118 वैकेंसी है। इसके अलावा और भी वैकेंसी आ चुकी है जो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सैलरी आपको 10,000 से 14,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। झारखंड पोस्ट ऑफिस की जॉब लोकेशन है। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है और आईसीयू में छूट लग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस यहां पर जो है ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए है और यहां पर पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए जो है बिल्कुल फ्री है, ठीक है? और यहां पर पेमेंट जो है आप ऑनलाइन करा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं के साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और यहां पर आवेदन 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2020 तक शुरू होंगे चलेंगे। तो यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के साथ में आपको लिंक मिलेगा, यहां से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 8 वैकेंसी की जानकारी। इन वैकेंसी के अलावा और भी वैकेंसी आ चुकी है जिसकी जानकारी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो आज ही गूगल में सर्च करें सरकारी टुडे न्यूज.com, यहां पर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।